वर्ड के इंसर्ट टैब के इलस्ट्रेशन ग्रुप में पिक्चर कमांड के बारे में जानेंगे। तो ये हमारा इलस्ट्रेशन ग्रुप है, यहाँ पे हम पिक्चर कमांड पे क्लिक करेंगे। ये पिक्चर कमांड पे क्लिक करने के बाद कहाँ से हमने पिक्चर उठानी है, सपोज करो हमारी पिक्चर यहाँ पे एफ ड्राइव में दी गई है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कौन सी पिक्चर यहाँ से उठानी है, ये सपोज करो ये पिक्चर उठानी है, इंसर्ट किया, ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। पिक्चर आने के बाद हमारे पास ये फॉर्मेट टैब अपने आप ही बन जाएगी, और फॉर्मेट टैब में ये सबसे पहले है जैसे रिमूव बैकग्राउंड। अगर हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड, इस पिक्चर की ये बैकग्राउंड है ये हमने हटानी है, तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे जाना पड़ेगा। ये यहाँ पे क्लिक करने के बाद अगर हम किसी एरिए को यहाँ से छोड़ना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप यहाँ पे क्लिक करना है। अगर उसको हटाना है तो मार्क एरिया टू रिमूव, या ये जितनी भी बैकग्राउंड है ये सारी हटानी है हमने, तो ये क्या करना है, ये यहाँ पे कीप चेंजेस यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो इसकी बैकग्राउंड सारी हट जाएगी। हटने के बाद अगर हम चाहते हैं कि ये बैकग्राउंड हमें वापस चाहिए तो हमने क्या करना है, फिर से रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे जाना है। जाने के बाद हमने यहाँ पे डिस्कार्ड ऑल चेंजेस यहाँ पे क्लिक करना है, ये देखो ये क्लिक करते हैं हमारे पास ये बैकग्राउंड आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम किसी भी पिक्चर की बैकग्राउंड हटा सकते हैं या वापस ला सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे करेक्शन, यहाँ पे क्लिक किया मैंने करेक्शन, तो पहले हम इसे राइट साइड में करते हैं, ये पोजीशन इसकी पोजीशन राइट साइड, ये देखो यहाँ पे मैंने इसको रखा। यहाँ पे रखने के बाद करेक्शन पे गए, करेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे ये देखो इसके शार्पन, ये जो जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही यहाँ पे पिक्चर चेंज होती जाएगी। ये देखो यहाँ पे ये है इसकी पिक्चर, ये है इसके बाद इसकी पिक्चर, ये है ब्राइटनेस, ये ब्राइटनेस इसकी बढ़ानी है कम करनी है, ये यहाँ से हम जो भी हमें अच्छी लगती है उसके ऊपर हमने यहाँ पे क्लिक करना है। सपोज करो हम किसी को भी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करो ये है, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम इसकी करेक्शन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से इस स्टाइल में आ जाएगी, तो ये करेक्शन भी हम इसकी पिक्चर की कर सकते हैं। इसके बाद है अगला है कलर, यहाँ से कलर सेचुरेशन, सपोज करो ये हमने यहाँ पे सेचुरेशन 0% है ये रखना कलर का, तो ये यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो सेचुरेशन जो है 0% आ जाएगी इसकी। अगर और चेंज करनी है, यहाँ पे गए हम, ये अगली है सेचुरेशन 33%, आगे 66%, आगे 100%, तो ये देखो जैसे जैसे मैं आगे ले जाऊंगा ये बढ़ता जाएगा। ये देखो सपोज करो ये देखो स्टाइल में दिया गया है कलर टोन, ये अलग अलग कलर टोन है ये यहाँ पे, ये देखो जो भी हमें चाहिए उसके ऊपर हमने क्लिक करना है। रिकलर, अगर हमने इसको रिकलर करना है, सपोज करो ये कलर इस पे करना है ये, तो यहाँ पे क्लिक किया ये देखो इस कलर में ये चेंज हो जाएगा, तो हम इसको रिकलर भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला आर्टिस्टिक इफेक्ट, यहाँ पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे देखो अलग अलग इफेक्ट्स हैं यहाँ पे, जो भी हमें चाहिए कि जो भी हमें अच्छा लगता है उसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से जो भी हमारी चॉइस है कि इस जिस भी इफेक्ट्स में हमने इसको लाना है उस पर हमने क्लिक कर देना है। सपोज करो ये चाहिए हमें, ये क्लिक किया, ये देखो इस इफेक्ट में ये चेंज हो जाएगा, फिर वापस किया इसको, ये हो गया। इसके बाद अगला है कंप्रेस पिक्चर, कंप्रेस का मतलब होता है कि अगर हमने इसका साइज
रिड्यूस करना है तो हम इस पिक्चर का साइज रिड्यूस भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अगला है हमारे पास फ्रॉम ए फाइल। इसकी जगह अगर हम चाहते हैं कि कोई और पिक्चर आ जाए तो हमने फ्रॉम ए फाइल यहाँ पे क्लिक किया। फ्रॉम ए फाइल क्लिक करने के बाद सपोज करो ये सेकंड वाली, ये हमने यहाँ पे पिक्चर ले ली तो ये पिक्चर चेंज हो जाएगी। फ्रॉम ए फाइल से हमने इसको चेंज कर दिया। अगला है अगर हम चाहते हैं कि ऑनलाइन सोर्स, फ्रॉम ऑनलाइन से हमने चेंज करना है इसको तो फ्रॉम ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सपोज करो ये स्टाइल आ जाएंगे, जो भी स्टाइल हमें चाहिए उस पर हमने क्या करना है ये क्लिक कर देना है। सपोज करो कोई भी यहाँ से हम ले लेते हैं ये यहाँ पे, तो यहाँ पे इसके बाद ये ऑप्शन खुल जाएंगे, कौन सा ऑप्शन चाहिए उसके ऊपर हमने फिर क्लिक कर देना है ये। तो ये देखो सभी यहाँ पे ऑप्शन है, जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है। सपोज करो ये इंसर्ट किया, ये देखो यहाँ पे ये कुछ टाइम लेगा और आ जाएगा ये, तो ये पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम इसको चेंज भी कर सकते हैं ये। तो इसके बाद है फ्रॉम आइकन्स, फ्रॉम आइकन के जरिए इसको चेंज करना है तो हम इसको फ्रॉम आइकन के जरिए भी चेंज कर सकते हैं। जैसे फ्रॉम आइकन यहाँ पे क्लिक किया गया है, ये फ्रॉम आइकन यहाँ पे ये देखो क्लिक किया हमने तो फ्रॉम आइकन यहाँ पे आइकन आ जाएंगे। ये देखो ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, जो भी आइकन हमें चाहिए उसके ऊपर हमने क्या करना है क्लिक कर लेना है। ये एरो चाहिए तो एरो में आ जाएगा ये, तो बाकी जो भी है ये जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वही यहाँ पे आइकन आ जाएगा, तो इस पर हमने क्लिक कर लेना है ये। तो ये अगला ऑप्शन है, ये इससे अगला ऑप्शन है, इससे अगला ऑप्शन है, ये जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगता है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सपोज करो हमने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, ये ले लिया, इंसर्ट किया तो ये देखो चेंज हो जाएगा, ये आइकन चेंज हो गए। तो इस हिसाब से हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। तो फिर हमने इसको बैक किया ये। इसके बाद अगला ऑप्शन है फॉर्मेट पे क्लिक किया, अगला है हमारे पास पिक्चर स्टाइल। तो अगर हम इसकी फ्रेम चेंज करना चाहते हैं, ये देखो फर्स्ट फ्रेम ये ऐसे दिखाई देगी, ये सेकंड पे ऐसे, थर्ड ये फ्रेम सेट हो गई है, यहाँ पे पिक्चर स्टाइल का ये फ्रेम सेट हो गई है। अगला ये स्टाइल है, ये हमारे पास यहाँ पे बहुत से स्टाइल आ जाएंगी, और भी स्टाइल चाहिए ये देखो और भी स्टाइल यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें चाहिए सपोज करो या इसमें चाहिए, जो भी आपको लगता है कि ये फ्रेम अच्छी है तो आपने उस पर क्लिक कर लेना है। ये देखो सभी फ्रेम में सपोज करो मैंने क्या यहाँ पे क्लिक कर लिया है, ये देखो तो ये फ्रेम यहाँ पे सेट हो जाएगी। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसकी फ्रेम भी सेट कर सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे इसको चेंज किया मैंने, अगला ऑप्शन है ये, इसके बाद फ्रेम यही सपोज कर ये रखी मैंने। इससे अगला ऑप्शन है हमारे पास पिक्चर बॉर्डर। पिक्चर बॉर्डर के लिए ये देखो पिक्चर का बॉर्डर अगर आपने किसी भी कलर में चाहिए, ये येलो में चाहिए तो यहाँ पे क्लिक किया ये इस कलर में आ जाएगा, ये तो पिक्चर बॉर्डर इसमें आ जाएगी, जो भी चाहिए वहाँ पे उस स्टाइल में आ जाएगी। पिक्चर इफेक्ट्स, ये देखो सभी पिक्चर इफेक्ट्स हैं, ये अलग अलग इफेक्ट्स दिए हुए हैं, शेडो का है ये, रिफ्लेक्शन का है ये, जो भी हमें अच्छा लगता है उसके ऊपर हमने क्लिक कर लेना है। सपोज करो यहाँ से कोई भी आप हमने क्या करना है ये ग्लो, कौन सा ग्लो किस स्टाइल में चाहिए, सपोज करो ये हमने दिया ये यहाँ पे इसमें दिया, ये देखो ये ग्लो जो है इसमें आ जाएगा ये, तो ये भी हम इसको पिक्चर इफेक्ट्स यहाँ से कर सकते हैं ये। इसके बाद है पिक्चर लेआउट, यहाँ पे पिक्चर लेआउट अलग अलग लेआउट है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे ये स्टाइल है, ये स्टाइल है तो यहाँ पे स्टाइल अलग अलग स्टाइल है, यहाँ पे ये स्टाइल है, यहाँ पे ये स्टाइल है, तो अगर हम चाहते हैं कि इसके ऊपर कुछ लिखना है हमने तो यहाँ से हम कुछ लिख सकते हैं, यहाँ से सपोज करो ESD, यहाँ पे हमने कुछ लिखा ये लिखने के बाद ये लिखो ESD नाम से यहाँ पे आ जाएगा, तो कुछ भी हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं ये।
लिखने के लिए ये स्टाइल आ जाएगा। ये कुछ ऐड शेप और करनी है तो यहाँ पे ऐड शेप, यहाँ पे क्लिक किया और भी शेप हम फॉर्म फाइल से चेंज ऐड करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, कोई भी और चाहिए इंसर्ट किया, ये देखो और भी आ जाएगी। तो इस हिसाब से हम शेप जो भी चाहिए हमें वहाँ से हम इसको ऐड भी कर सकते हैं। ये अगर इसको मूव अप करना है, ये देखो मूव अप, ये मूव डाउन, ये देखो चेंज होती जाएगी पोजीशन। तो इस प्रकार हम इसको कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और ऐड करनी है हमें इसको ऐड भी कर सकते हैं। ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये लिखा हमने। यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे कोई हमने पिक्चर इंसर्ट करनी है, ये पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली है। सपोज करो ये पिक्चर हमने यहाँ पे इंसर्ट कर ली और यहाँ पे इसका साइज हमने यहाँ पे कम कर दिया, ये हमारे पास पिक्चर आ गई। तो इसकी जैसे पोजीशन है, ये देखो पोजीशन टॉप में करना है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी पोजीशन, टॉप लेफ्ट हैंड साइड में चली जाएगी स्क्वायर में। अगला देखो सेंटर में करना है, ये पोजीशन देखो अपने आप ही चेंज हो रही है, ये सेंटर में होगी। अगली पोजीशन किया राइट हैंड साइड में हो जाएगी ये। तो इस प्रकार अगले किया, ये देखो ये यहाँ पे क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे आ जाएगी। तो इस प्रकार हम इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। ये तो ये सपोज करो मैंने ये सेंटर में रखी यहाँ पे। तो ये जितनी भी स्टाइल है, कोई किसी भी स्टाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो ये पिक्चर आपकी चेंज होती जाएगी। तो सपोज करो मैंने यहाँ पे सेंटर में रखा, इसे ये सेंटर में आ गई, तो पोजीशन इसको कहाँ पे कर दिया मैंने, सेंटर में। इसके बाद है रैप टेक्स्ट, ये रैप टेक्स्ट में अलग अलग इसके ये ऑप्शन है, ये देखो फर्स्ट पे क्लिक किया अपने आप चेंज होता जाएगा, ये स्क्वेयर में आ जाएगा, हेड में आ जाएगा, थ्रो में आ जाएगा, टॉप एंड बॉटम पे आ जाएगा, बिहाइंड टेक्स्ट यहाँ पे ये देखो मैंने क्लिक किया तो ये क्या है, ये जो है ये टेक्स्ट के पीछे आ जाएगी। यहाँ पे इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने ये क्लिक किया हुआ है तो रीकलर, सपोज करो इसको मैंने रीकलर किया, ये इस स्टाइल में लिया, ये सपोज करो ये देखो अब ये टेक्स्ट ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद रैप टेक्स्ट यहाँ पे हमने किया, अब इन फ्रंट ऑफ, ये देखो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट पीछे चला जाएगा, ये इमेज हमारी ऊपर आ जाएगी। तो ये देखो इस प्रकार हम ये जो टेक्स्ट है इसको पीछे भी लगा सकते हैं और ये टेक्स्ट, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट है ये ऊपर भी आ सकता है टेक्स्ट के। तो किसी भी स्टाइल में हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये इसके बाद है ये हमारा ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या करना है, रोटेट करना है। तो रोटेट करने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद रोटेट राइट 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री रोटेट हो रहा है ये राइट हैंड साइड में, ये रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ये देखो अगला है फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप ओरिएंटल। तो इस स्टाइल में हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं, जिस स्टाइल पे हम क्लिक करेंगे उस स्टाइल में ये रोटेट होता जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्लिप ओरिएंटल, ये देखो फ्लिप ओरिएंटल, तो ये फ्लिप ओरिएंटल हो जाएगा। इसके बाद अगला है, अगर हम इस ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज करना चाहते हैं, ये देखो जैसे हाइट इसकी बढ़ानी है तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये हाइट बढ़ती जाएगी। कम करनी है नीचे, ये क्लिक किया, ये इसकी हाइट कम होती जाएगी। अगर विड्थ बढ़ानी है, ये देखो विड्थ बढ़ती जाएगी, ये कम करनी है, ये नीचे वाला बटन क्लिक किया कम होती जाएगी। इसके बाद है अगर हम चाहते हैं कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसको क्या करना है, क्रॉप। तो क्रॉप करने के लिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कितना क्रॉप करना है, ये सपोज करो हमने ये इतना सा रखा और ये इतना सा रखा, ये क्रॉप करना है, इतना सा क्रॉप करना है। क्रॉप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे हम, ये क्रॉप हो जाएगी। तो इस प्रकार हम इस ऑब्जेक्ट को क्रॉप भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन ग्रुप के पिक्चर कमांड के बारे में डिटेल में जाना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।